तो जी हम लोग कहाँ पढ़े थे आप लोग बताएंगे नहीं बताएंगे? इधर कहाँ खिसक के गया हुआ है, इसको मैं इधर ही फिट कर लेता हूँ कहीं। मैं रन कर देता हूँ जी प्रोग्राम, और एड स्टूडेंट आ गया। इधर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में ऐड नहीं किया हूँ का इसमें? ओह नो, मोबाइल नंबर मैंने नहीं रखा है। कोई बात नहीं जी, मैं बाद में मोबाइल नंबर को ऐड करूँगा, मोबाइल नंबर आधार नंबर वगैरह कुछ, ठीक है। तो हम आज क्या करते हैं कि डेटा डिलीट कैसे किया जाए ये पढ़ लें। वैसे भी डेटा डिलीट कैसे किया जाए आप तो ये बात जानते हैं, जानते हैं ना? क्यों नहीं जानते? जानते हैं ना? यहाँ पे आईडी भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आईडी ले लिया क्वेरी में इधर, और फिर इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोल दिया, मिसमैच आईडी? ओ नो, सही बोल रहा है ये, मिसमैच तो होगा ही ना, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे है, ऐसे दे दूंगे, छोड़ दो, हटाओ कॉमा, ठीक है। तो आईडी के बाद मैंने कॉमा दे दिया है, ठीक है। इधर अब ये चलेगा तो इधर आईडी भी आ गया, ठीक है जी। तो आ रहा है ये सब बराबर, ठीक है। तो आप लोग बताइए जी, क्यों बंद कर दिए भाई, मजा नहीं आया, चालू करो जल्दी। क्या मजाक है, ऑन है बटन, तो हमारे प्रोजेक्टर का है बंद हो गया, प्रोजेक्टर का है बंद हो गया भाई हमारे। अब मत बटन दबाना भाई, कोई सा भी हमारा प्रोजेक्टर बंद हो जाए हमको, यार क्यों दबा दिए बटन, फिर से हमारा प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा। अच्छा लाइट बंद की है, चलो ठीक है, देखते हैं प्रोजेक्टर ऑन होता है या नहीं। रिकॉर्डिंग को बंद करके थोड़ी देर रखता हूँ प्रोजेक्टर जब तक चालू होता है। चलिए जी रिज्यूम कर दिया, ठीक है। तो मैं रन कर देता हूँ इसको जी, ठीक है। इसको मैंने बड़ा करा, अब आप ये देखिए ना, इसको स्क्रॉल करके ऐसे देखना पड़ता है, मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को ये। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा ग्रिड व्यू कंट्रोल को सिलेक्ट करके आ जाऊँगा प्रॉपर्टी में, और इधर एक तो प्रॉपर्टी है इसका नाम है ऑटो साइज कॉलम मोड। इसका क्या मतलब होता है जी, इसको कर दूँगा मैं फिल, ठीक है, कर दिया फिल, और इसको कर देता हूँ ऐसे, ठीक है जी। अब जैसे इसको रन किया तो क्या हो गया, स्क्रॉल बार गायब हो गया और सारा कॉलम जो है फिट हो गया इतने में, ठीक है, ऐसे कर करके फिट हो गया था, ठीक है। तो फिल कर दोगे उस प्रॉपर्टी को तो क्या होगा जी, फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमको क्या करना है, हमको तो डिलीट करने से मतलब है अब रिकॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि आ जाऊँ यहाँ पे SEM वाले नेम पे, राइट क्लिक करके मार दूँ डिलीट बटन पे क्लिक, और क्या हो जाए, डिलीट सक्सेसफुल हो जाए, ठीक। चलिए करता हूँ मैं ऐसे। तो राइट क्लिक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कौन सा कंट्रोल लेना पड़ेगा, आप लोग बताइए, नहीं बताओगे? राइट क्लिक करने के लिए कौन सा कंट्रोल होता है, कौन सा? रेडियो। हम धन्य हो गए आपके विद्वता से। हाँ तो बता दीजिए जी, बताइए कौन सा कंट्रोल होता है जिससे हम राइट क्लिक कर पाते हैं। मैंने हिंट आपको दे रखा है, कौन सा कंट्रोल होता है,
कोई कहो एक रेडियो कह दिया, एक चेकबॉक्स भी कह दो, कोई कॉम्बो बॉक्स भी कह दो, कोई बटन भी कह दो, क्यों है? कौन सा बटन पे? क्या कौन सा कंट्रोल होता है? नहीं बताओगे, नाराज हो गए क्या? क्यों कॉन्टेस्ट मेनू? यार मैं कब से माउस पॉइंट करके इधर रखा हूँ लेकिन समझते नहीं हो बात को। ऊपर नीचे होगा नहीं, वाह कितना बढ़िया टेक्निक है। डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। और मैं क्या करूँगा जी, ग्रिड व्यू कंट्रोल पे क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टी पे मैं आऊँगा और इसका एक होगा प्रॉपर्टी कोई कॉन्टेक्स्ट मेनू स्क्रिप्ट का, कहाँ गया जी, इधर है, ठीक है। इधर मैं आता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा रन, ठीक है। क्या करूँगा जी, अब राइट क्लिक करूँगा तो ये देखो आ रहा है ना, ये आप लोग देखिए आ रहा है, ठीक है जी। डिलीट बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अभी नहीं होगा, कोड लिखना पड़ेगा हमें, राइट। चलिए जी, तो कोड लिखने के लिए हमको क्या करना चाहिए जी, इधर कहीं होगा कॉन्टेस्ट मेनू, किधर गया जी, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आ तो रहा है डिलीट बटन इधर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मेनू कहाँ चला गया? इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा नीचे, ठीक है जी। ऊपर ही आ गया कॉन्टेक्स्ट मेनू, इस पर क्लिक करता हूँ और डिलीट बटन पे डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे डबल क्लिक किया यहाँ पे आ गया डिलीट का कॉन्टेक्स्ट मेनू इवेंट, इसका क्लिक इवेंट ओपन हो गया, ठीक। हमको यहाँ पे क्या करना है, कोड लिखना है, ठीक। मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले, ठीक, क्या पूछा जाए जी, आर यू श्योर कि डिलीट कर दूं ये रिकॉर्ड, और पूछे एस या नो। जब हम क्लिक कर दें किस पे, एस पे, तब जो है हमारा डिलीट हो, अन्यथा डिलीट ना हो, ठीक। तो सबसे पहले डीम लिखूंगा, फिर लिख दूंगा कन्फर्म, ठीक, इक्वल टू कन्फर्म लिखता हूँ, या फिर यहाँ पे एज डायलॉग रिजल्ट लिखता हूँ, डायलॉग रिजल्ट एनम है जी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, एम एस जी बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ मैं R Y O U U sure delete this record, right। फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा जी, बटन पूछ रहा है, जैसे ही कॉमा दिया पूछ रहा है बटन आपको क्या क्या चाहिए, मैं इधर आता हूँ और बोल दूंगा ओके और कैंसिल, ठीक। मैंने ओके कैंसिल पे मैंने क्लिक करा, फिर कॉमा दबाया और फिर कर दिया कन्फर्म बॉक्स। टाइटल पूछ रहा है तीसरा पैरामीटर में, मैं कन्फर्म डायलॉग लिख देता हूँ जी, ठीक है, लिख दिया, ठीक। वेरिएबल का नाम ऐसे कर देता हूँ, ठीक है जी, ऐसा हो गया। तो ये मैसेज बॉक्स क्या होगा, क्लिक करते के साथ हमें दिखाई देगा, ठीक। मैसेज बॉक्स में क्या लिखा होगा, आर यू श्योर डिलीट दिस रिकॉर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट स्टाइल में हमने क्या दिया है, ओके और कैंसिल, माने ओके बटन आएगा और कैंसिल बटन आएगा। उसके बाद टाइटल में कंफर्म डायलॉग आ जाएगा, ठीक। ओके पे क्लिक करेंगे वो जाकर के स्टोर हो जाएगा कंफर्म पे, कैंसिल पे क्लिक करेंगे वो भी जाके स्टोर हो जाएगा कंफर्म पे, राइट। मैं रन कर देता हूँ, लेकिन अभी रन करूँगा तो कुछ फायदा नहीं होगा जी, ठीक है। मैं इफ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर लिखूंगा जी कन्फर्म इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ ओके, ठीक। आप यस नो का भी कुछ आता है इधर डॉट यस नो का भी, ये देखिए आ रहा है ना, यस नो कैंसिल, यस नो का भी बटन आता है, तो आप चाहें तो यस नो का भी रख दें। यस और नो वाला मैं ले लूँ क्या बटन? ओके और कैंसिल वाला तो पहले हम यूज किए थे ना एक बार, नहीं किए थे? ओके कैंसिल बटन का तो यूज किए थे हम लोग एक बार पहले,
तो अभी मैं क्या करता हूँ, यस और नो वाला ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे ओके की जगह पे मैं क्या कर दूंगा जी, यस कर दूंगा, ठीक। यहाँ पे यस हो जाएगा। ओके और कैंसल वाला डायलॉग बॉक्स तो हमने इस्तेमाल कर लिया था पहले भी एक बार, जब हम डिलीट कर रहे थे रिकॉर्ड, तो पिछला रिकॉर्डिंग आप देखिएगा उसमें किया था, ठीक है। तो ये यस पे अगर क्लिक कर दे, ठीक है, तो जैसे ही यस पे क्लिक हो जाए तो डिलीट हो रिकॉर्ड। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे एमएसजी मैसेज बॉक्स में क्या देता हूँ, डिलीट सक्सेस, ठीक। और अगर यस पे क्लिक नहीं किया है तो क्या हो, कुछ भी नहीं होगा तब तो, ठीक है जी। इतने को मैं रन करता हूँ तो आप लोग देखिएगा क्या होगा, ठीक है। राइट क्लिक किया, डिलीट बटन पे क्लिक किया, नो पे क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ जी, फिर राइट क्लिक किया, डिलीट यस पे क्लिक किया तो सक्सेस डिलीट आ गया मैसेज, ठीक है। तो हमें कोड जो है यहीं पे जो है लिखना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे जी, कनेक्शन बनाते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो मैं यूजिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया है यूजिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए यूजिंग, फिर कौन एज न्यू ओ एल ई डी बी कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा जी, क्या लिख दूंगा यार, कनेक्शन ऊपर मैं बनाया हूँ ना कहीं, ये देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग ले, इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। एंटर मैं जैसे ही मारा, पेस्ट करा और ब्रैकेट के बाहर आके एंटर मारा, इंड यूजिंग यहाँ पे अपने आप जो है आ गया, ठीक है जी, आ गया ना। चलिए फिर हम क्या करेंगे जी, हम कमांड चलाएंगे, ठीक है। यूजिंग सी एम डी एज न्यू ओ एल ई डी बी कमांड चाहिए जी, कमांड, ठीक है। एंटर मारा यहाँ पे भी तो इंड यूजिंग अपने आप जो है आ गया, फिर रेडी हो गया, ठीक। इसको क्या चाहिए होता है, दो टू पैरामीटर चाहिए होता है, पहला कमांड चाहिए होता है टेक्स्ट में, दूसरा कनेक्शन चाहिए होता है जी। तो मैंने ऐसे कर दिया इसको, ठीक है जी। मैं चाहता तो कुछ इस तरह का कोड लिख सकता था फंक्शन वगैरह में कि एक बार बस कनेक्शन बने, कमांड बने, ठीक है, फंक्शन बना के कहीं रख देता और इसको कनेक्शन स्ट्रिंग और कमांड दे देता एसक्यूएल का और अपने आप ही डिलीट कर देता, पर मैं बार बार ये लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए यार, ऐसे तो आप करने वाले हो नहीं प्रैक्टिस जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे जी, कमांड डेटाबेस से डिलीट, डेटा डिलीट करने का क्या कमांड होता है जी, टेबल से डेटा डिलीट करने का क्या कमांड होता है बता देता हूँ मैं, डिलीट डिलीट, फिर टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हमारे केस में स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट होगा यार, मैं बोल रहा हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक, डिलीट होगा फिर फ्रॉम होगा फिर टेबल का नाम होगा, मेरे केस में टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक, तो स्टूडेंट लिख दिया मैं। वेयर के बाद क्लॉज देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। तो वेयर हमको डिलीट करना है किससे, आईडी के थ्रू, ठीक, आईडी के थ्रू ही डिलीट हमको क्यों करना है जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले पिछले रिकॉर्डिंग में, आप देख सकते हैं जी, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दे रहा हूँ जी, ठीक है, एड विथ वैल्यू पैरामीटर से लेते हैं ना कमांड वगैरह, मैं वहाँ से नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट कर दूंगा आईडी, ठीक। तो मैं आईडी के थ्रू डिलीट करूँगा जी, आईडी मैं गेट कैसे करूँगा, आईडी गेट करना बहुत आसान है जी, डीम आईडी एज इंटीजर। तो आईडी मैं कहाँ से गेट करना चाहता हूँ, ग्रिड व्यू कंट्रोल से, मैंने आपको बताया था ना आईडी ग्रिड व्यू कंट्रोल से कैसे लेना है, नहीं बताया था, बता दिया था, चलिए जी दिखाता हूँ कैसे लेना है, ये वाला आईडी हमको ले लेना है जी, ठीक, इसी आईडी के थ्रू हम डिलीट करेंगे क्योंकि ये आईडी यूनिक है जी, ठीक है। तो ग्रिड व्यू कंट्रोल से हम कैसे लेंगे आईडी, बड़ा आसान है, पहले लिख देंगे जी डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल
डॉट सेलेक्टेड रोज, ठीक है, सेलेक्टेड रोज लिया, इसमें मैं क्या पास कर दिया, जीरो, ठीक है। और फिर जीरो क्यों पास कर रहा हूँ ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जी, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें मेरा समय ज़्यादा बर्बाद हो। सेल पूछ रहा है, सेल में मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी आईडी, ठीक, क्योंकि कॉलम का नाम तो हमारा आईडी है ना, फिर डॉट लिखूंगा यहाँ पे और वैल्यू ले लूंगा इसका, ठीक। तो जैसे ही वैल्यू मैंने करा, वो सारा वो आईडी जो है आ जाएगा इसमें जो सिलेक्टेड होगा, ठीक, पहला रिकॉर्ड सिलेक्टेड का, पहला रिकॉर्ड हम एक बार में तो हम सिलेक्ट ही करते हैं। और यही आईडी हमने क्या करा जी, इधर कॉन्केटिनेट कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो जो आईडी यहाँ आएगा वो यहाँ पे डायनामिकली जो है कॉन्केटिनेट होता जाएगा, ठीक। तो ये आईडी का हमें जरूरत क्यों है, यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये सब तो आपको समझ में आ ही रहा है, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, चलिए जी आ रहा है, बड़ा अच्छा बात है, ठीक है, बड़ा अच्छा बात है ना, आ रहा है तो, हाँ जी, हाँ, इतने देर में ये बात आप बता रहे हैं आप लोग, इसीलिए मैं कह रहा था कि बड़ा अच्छा बात है, समझ में आ रहा है। ये आईडी हमको इसलिए चाहिए, ठीक है, ताकि हम डिलीट कर सकें कोई भी रिकॉर्ड, ठीक। जैसे मान लीजिए ये सारा जो टेबल, ये जो डेटा दिख रहा है कहाँ से दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट नाम के टेबल का, राइट, तो इसमें से कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक क्वेरी लिखा, ठीक, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, लेकिन हमें तो कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना है ना, तो हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेयर क्लॉज, वेयर माने किसका आईडी डिलीट, वेयर माने किसके आधार पर डिलीट करना है, क्लॉज है ना, वेयर कंडीशन है वेयर, ठीक है। वेयर के बाद लिखा मैं आईडी, मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट का आईडी के आधार पर डिलीट करो, ठीक, तो ये बोलेगा ना मुझे वो आईडी बता दो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि वेयर आईडी इक्वल टू एंड आईडी, ठीक, मतलब ये जिसका भी आईडी ये हो। तो मैंने आईडी कहाँ से गेट करा जी, ये लाइन लिखा ताकि डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल से आईडी मुझे मिलके इस आईडी में असाइन हो जाए, ठीक, और यही आईडी मैंने पास कर दिया इसमें, ठीक। तो मैं बता रहा हूँ कि कौन से आईडी वाले स्टूडेंट को डिलीट करो, जो आईडी इस आईडी में हो, तो आईडी इक्वल टू ये आईडी दे दिया, ठीक। और यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आईडी तो इंटीजर में है और इंटीजर को सिंगल कोट डबल कोट का जरूरत नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है विजुअल बेसिक में स्ट्रिंग के फॉर्म में मैंने दे दिया और उसमें ये कॉन्केटिनेट किया है, ठीक, आप क्लियर है, उम्मीद होगा है मुझे क्लियर होगा आप, ठीक है। चलिए जी ये आईडी मैंने इसलिए यहाँ पे दिया है ताकि मैं बता सकूँ कि किस स्टूडेंट को मुझे डिलीट करना है। ऐसे आईडी अगर नहीं दूंगा, वेयर क्लॉज नहीं लगाऊंगा, इतना अगर नहीं देता हूँ ना मैं, तो सारे स्टूडेंट को ये डिलीट कर देगा। तो इसीलिए मैं आईडी बताता हूँ कि जिस स्टूडेंट का ये आईडी हो उस स्टूडेंट को आप डिलीट कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, क्लियर है ना। अब हमको क्या करना है, सिर्फ कमांड एग्जीक्यूट करना है, ठीक। तो लिखिए यहाँ पे सीएम, ओ अब समझ में आया कि ये क्यों नहीं टाइप कर पा रहा हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब क्या करेंगे जी, सीएमडी, ठीक, डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक। एग्जीक्यूट नन क्वेरी क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूट नन क्वेरी डेटाबेस में से डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। ये कुछ इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा, ये क्या इंटीजर रिटर्न करेगा, जितने रिकॉर्ड अफेक्ट हुए होंगे, माने यहाँ पे जितने रिकॉर्ड स्टूडेंट का डिलीट हुआ होगा, माने जितने स्टूडेंट डिलीट हो गए होंगे उसका नंबर देगा। तो हम तो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, तो मैं तो ये एक नंबर दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ जी, वन इक्वल टू ये पास कर देता हूँ, ठीक है, वन पास कर दिया, ठीक है जी। इसका मतलब ये कि अगर जो एग्जीक्यूट नन क्वेरी चला, ए रिटर्न किया एक, ठीक, ए अगर एक रिटर्न किया तो ये रिटर्न क्या करेगा, वन रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे वन लिखा जाएगा, तो एक इक्वल टू एक बराबर ट्रू हो जाएगा, और जब ट्रू होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे दी मैसेज में डिलीट सक्सेसफुल रिकॉर्ड, ठीक, रिकॉर्ड डिलीट
सक्सेस। ठीक है जी, डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुल। ठीक है, हो गया ना। मैंने यूजिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रखा है तो कनेक्शन वगैरह क्लोज करने का कोई दिक्कत नहीं है। अब कनेक्शन क्लोज करने का दिक्कत नहीं है, मैंने ये आपको कहा तो मुझे याद आ गया कनेक्शन मैंने ओपन नहीं किया है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, कनेक्शन को ओपन कर लूँगा। कहाँ पे ओपन करूँगा, जस्ट यहाँ पे क्वेरी को, यहाँ पे मैंने फायर किया है, क्वेरी को फायर करने से पहले जस्ट यहाँ पे कनेक्शन मैं ओपन कर दूँगा। ठीक, चलिए जी देखते हैं रिकॉर्ड डिलीट होता है कि नहीं। चलिए जी मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पे राइट क्लिक करके कर देता हूँ जी डिलीट। बोल रहा है आर यू श्योर, मैं कहता हूँ हाँ कर दो। ये बोल रहा है डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुल, ओके बटन पे मैं क्लिक कर दिया। इसी रिकॉर्ड को मैं डिलीट किया हूँ ना जो सिलेक्टेड है, लेकिन ये तो अभी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ये मैंने आपको बता दिया है, ये इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि डिलीट रिकॉर्ड होता उसके पहले से यहाँ पे डेटा उठ के आ चुका है ना डेटाबेस से। डेटाबेस में जब रिकॉर्ड था तो सारा रिकॉर्ड उठा और मेरे ग्रिड व्यू कंट्रोल में दिखने लगा ना। ठीक, अब जब दिखने लगा तो उसमें मैंने डेटाबेस से डेटा जो है डिलीट कर दिया, लेकिन जो ग्रिड व्यू कंट्रोल में डेटा जो दिख रहा है वो तो ग्रिड व्यू कंट्रोल में रह ही गया ना डेटा। ग्रिड व्यू कंट्रोल में से भी तो हमें रिमूव करना पड़ेगा डेटा, तो इसके लिए क्या करेंगे जी, एक थोड़ा डिलीट रिमूव कर सकते हैं ग्रिड व्यू कंट्रोल से। अब उतना रो कॉलम कौन जाए फिल्टरिंग करने जी। ठीक है, आपको भी समझने में जब बड़ा कठिन होगा, इससे बेहतर है कि हम क्या करें जी, यहीं पे डेटाबेस से डेटा फिर से उठाने का हम कोड लिख दें। ठीक, तो क्या कोड था जी, यही है, डेटाबेस से डेटा उठाएं और फिर से हम ग्रिड व्यू कंट्रोल में दिखा दें। तो ये मेथड मैंने कॉल करा है, ये मेथड क्या करता है, डेटाबेस से डेटा उठाता है और ग्रिड व्यू कंट्रोल में शो कराता है। ठीक, यही मेथड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। ठीक, जैसे ही रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट होते के साथ डेटाबेस से डेटा मैं फिर से उठाऊंगा और ग्रिड व्यू कंट्रोल में दिखा दूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि भाई जो कहा था वो मैंने कर दिया, अब मुझे जाने दो। ठीक, चलिए रन मैं कर देता हूँ अब। ठीक है, चलिए एक रिकॉर्ड डिलीटेड यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक, राइट क्लिक कर दिया, ये न्यू वाला रिकॉर्ड मैं डिलीट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड का आईडी है 15। यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक किया, कैंसिल किया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाऊँगा, इस पे क्लिक कर दूंगा जी, डेटाबेस से डेटा डिलीट हो गया। नहीं हुआ यार अभी भी ना, हो गया नहीं हुआ ना, हो गया, इसी को मैं डिलीट किया हूँ ना मैं फिर से यार इसको रन कर। अच्छा हो गया जी, इसको मैं यहाँ पे लाता कर देता हूँ इसको मैं रन। ठीक है, चलिए जी, जिसका रिकॉर्ड का आईडी है 14 उसी को मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे आता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सक्सेस हो गया जी। अब तो ऐसे ही काम चल जाया करेगा। ठीक है, हो रहा है ना अब काम सब कुछ। तो इस कोड में अगर किसी को कुछ समस्या हो जी तो आप लोग बता दीजिए मुझे, और समस्या ना हो तो कह दीजिए। हम सब ज्ञानी लोग हैं, हमको समस्या कभी आ सकता है क्या, क्यों? तो फोटो आप लोगों को खींचने का इच्छा है तो खींच लीजिए जी आप लोग फोटो। ठीक है, फोटो आप लोग खींचेंगे तो जी खींच लो। यही है डिलीट का कोड। मैं इसको तब तक रोक के रखता हूँ जब तक आप फोटो खींचते हैं। तो यहाँ तक है जी ये डायलॉग बॉक्स, आपने खींच लिया है पूरा फोटो। अच्छा, मैंने आपको सेंड कर ही दिया है। तो आगे हम लोग कुछ और पढ़ लें या बंद कर दूं मैं इतने से, बताइए आप लोग, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। और आगे बताऊं या फिर बंद कर दूं? बंद कर दें, पक्का बंद कर दूं। अभी तो 24 मिनट हुए हैं खाली।
आपका। चलिए जब आप लोग कह रहे हैं तो हमको का है बंद करने में, ठीक है बंद कर देते हैं, बाकी पढ़ लेंगे कभी, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ काम बचा है वो बता देता हूँ मैं, और क्या क्या हम चाहते हैं कि करें इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग इसको, इस रिकॉर्ड को अपडेट भी तो करना पड़ेगा, तो अपडेट वाला आप लोग को कल मैं बता दूंगा जो है, ठीक है। और ये ऐड स्टूडेंट बटन है, ठीक है, इसके बगल में एक तो एक्सपोर्ट का भी बटन लगाते हैं, या फिर इधर बना देते हैं एक्सपोर्ट बटन, इधर ही मैं बनाऊंगा, ठीक है। और इसको प्रिंटिंग भी तो करेंगे हम, तो प्रिंटिंग का भी बटन बना लेंगे इधर, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, एक्सेल में वो एक्सपोर्ट हो जाए या पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाए, ठीक है। और फिर इसको क्या हम कर लेंगे, डेटा को अपडेट करने का भी बनाएंगे हम लोग कुछ, ठीक है। और एक ठो रिकॉर्ड हमने इसमें और ऐड करेंगे, ठीक है, जिसमें कि आधार नंबर और मोबाइल नंबर लेंगे, ठीक है। मैं वैलिडेशन कैसे, मैं एक चीज़ एक वैलिडेशन आपको बताना चाहता था लेकिन मैं भूल गया, वो यूनिक वैलिडेशन था, ठीक है। तो अचानक से अभी मैं आधार कार्ड और मोबाइल नंबर कुछ नहीं इसमें लिखा हूँ, तो मुझे याद आया, तो इसमें हम ऐड कर देंगे आधार नंबर और मोबाइल नंबर, ठीक है। और फिर इसमें जो है यूनिक वैलिडेशन भी लगा लेंगे। और फिर अपडेट हम कैसे करेंगे, अपडेट हम करते समय ये करेंगे कि जो रिकॉर्ड है ना, जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड है, हम किसी भी रिकॉर्ड पर क्लिक करके सेलेक्ट करके डबल क्लिक मारेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला स्टूडेंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक ठीक है। और जिस रिकॉर्ड को हम सेलेक्ट इधर से किए रहेंगे, वो सारा रिकॉर्ड जो है यहाँ पे भरा जाएगा अपने आप, ठीक है। और यहाँ पे भराने के बाद अपने आप क्या होगा, अपडेट हम कर सकते हैं यहाँ पे फिर, ठीक है। और सेव पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, बाकी काम हम बाद में कर लेंगे जी, ठीक है। या कुछ ऐसा है, या फील्ड में अभी बता दूं मोबाइल नंबर वगैरह ऐड करने का, क्यों ये टैब कंट्रोल है ना, इसी में मैं क्या करूंगा कि एक तो और ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है। इधर से आऊँगा, ठीक है, ऐड टैब पे क्लिक कर दूंगा, एक ऐड टैब ऐड हो गया, ठीक है। और इसके प्रॉपर्टी में मैं जाऊँगा, ठीक है, और इस टैब पे आऊँगा और इसको क्या कर दूंगा जी, टैब का टेक्स्ट में बदल दूंगा कॉन्टेक्ट, क्या मैं लिख रहा हूँ, कॉन्टेक्ट, ठीक। इसमें मैं कर दूंगा जी कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, मोबाइल नंबर जो है ऐड करेंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो इधर से एक टेक्स्ट बॉक्स में ले लूँगा, यहाँ पे रख लूँगा, और क्या कर ले लूँगा जी, लेबल ले लूँगा, ठीक है, ऐसे लेबल ले लूँगा मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। और फिर मैं क्या कर लूँगा जी, मैं क्या कर लूँगा फिर, इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी में बदल दूँ, इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी बदल के क्या कर दूँगा, इंटर MOBILE मोबाइल, मोबाइल नंबर, ठीक है। और इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं बदलूंगा, इसका नाम बदलूंगा और क्या कर दूंगा, मोबाइल MOBILE मोबाइल MOBILE, ठीक। इसका डेटा डेटाबेस में कैसे सेव होगा, ठीक है, इसका भी तो डेटाबेस में डेटा सेव करना होगा, तो बता दूं, दो मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, बता दूं, ठीक है, बता देता हूँ। तो क्या करना होगा जी इसके लिए, हमें बहुत आसान काम है, ठीक है।
आता हूँ मैं इसी बटन के क्लिक इवेंट पे, ठीक है, और ये है इंसर्ट डेटा वाला, ठीक है, राइट क्लिक किया, गो टू डिफाइन पे क्लिक करूँगा, आ गया मैं इंसर्ट मेथड पे, ठीक है। इसके आखिरी में मैं क्या कर दूंगा जी, एक ठो पैरामीटर और ऐड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे MOVI, ये देखिए मोबाइल डॉट टेक प्रॉपर्टी ले लिया मैं, यहाँ पे भी ये जो वेरिएबल नेम है यहाँ पे भी मोबाइल मैं लिख दूंगा, ठीक है, मोबाइल लिख दिया। और यहाँ पे मैं आऊँगा जी फोटो, इसके भी बगल में मैं लिख दूंगा @ लगा के MOBILE मोबाइल, ठीक है, और यहाँ पे भी कॉमा दे करके MOBILE लिख दूंगा मोबाइल, ठीक है। तो SQL के क्वेरी में हमने मोबाइल लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने मोबाइल लिख दिया, लेकिन डेटाबेस में तो मोबाइल नाम का कॉलम नहीं है ना, तो एक ठो कॉलम हम क्या करेंगे जी डेटाबेस में भी बना लेंगे जिसमें कि मोबाइल नंबर हम रख सकें, ठीक। इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन करूंगा, ठीक है, राइट क्लिक डिजाइन व्यू में मैं आऊंगा, ठीक है, फोटो के बाद जस्ट एक ले लूंगा MOBILE मोबाइल, ठीक, टेक्स्ट के फॉर्म में ही मैं रख लूंगा जी मोबाइल, ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा इसको सेव पे क्लिक, ठीक है। तो मोबाइल नंबर जो है ऐड हो चुका है, ठीक है, ऐड हो गया ना मोबाइल नंबर इधर। अब हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर में मैं देखता हूँ मोबाइल नंबर डाल करके, ठीक है, एक रिकॉर्ड मैं सेव करूँगा जी और फिर देखता हूँ मोबाइल नंबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने मोबाइल नंबर गेट नहीं किया है, नहीं गेट किया है ना, तो मैं फॉर्म वन में आऊँगा, ग्रिड व्यू कंट्रोल वाले में आऊँगा और सोर्स कोड इसका देखूँगा, और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो एक्सेसिबल है, लास्ट में मैं क्या करूँगा मोबाइल नंबर को भी एक्सेस कर लूँगा, यहाँ से कॉमा दूंगा MOBILE मोबाइल, ठीक, करता हूँ मैं रन, ठीक है, मोबाइल नंबर में कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है, एक स्टूडेंट में और ऐड करता हूँ जी, और इसका क्या नाम दे दूँ, कुछ भी नाम दे देते हैं, कौन सा हम रियल डेटा के साथ काम कर रहे हैं, अभी देना तो नहीं चाहिए ऐसे, पर मैं दे दे रहा हूँ जी, ठीक है, ठीक है, क्लास, ठीक है, ले लेता हूँ फोटो भी कोई, ठीक है, डेस्कटॉप पे कोई फोटो है क्या, कुछ एक्टर्स के फोटो हैं मेरे पास, यही फोटो मैं ले लेता हूँ, क्यों, कौन सा ले लूँ जी, यही ले लेता हूँ, ठीक है, सेव बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल हो गया, क्लोज करता हूँ। जैसे ही आपने देखा मैंने डायलॉग सेव बटन पे क्लिक करा ना, सेव हो गया, और मैंने क्लोज बटन पे क्लिक करा, डायलॉग बॉक्स को बंद किया ना, लेकिन यहाँ पे पहले जो एक रिकॉर्ड आया था तो एक ही रिकॉर्ड पहले से आया है, दोबारा जो नया रिकॉर्ड था वो तो नहीं आया ना, तो उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जी, दोबारा मैं रन कर दूंगा ना इधर से प्रोग्राम को, तो क्या होगा, आ जाएगा दूसरा, ठीक है, ये तो मोबाइल नंबर में नहीं आया जी, क्या करें अब हम, लाइट ही कट गया, अब लाइट ही कट गया, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं बाद में अब, ठीक है।